सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। संभावनाओं को संभालने वाला, भावनाओं को संभालने वाला इंसान हमेशा जिंदगी की ऊंचाइयों पर सबसे ऊंचा होता है। दुनिया से झूठ धीरे से भी बोलेंगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। अपने तुलना कभी किसी से मत करना, क्योंकि हर फल का स्वाद अलग ही होता है। सोच हमेशा ऐसी रखो कि मुझे आता है उसे मैं कर लूँगा, जो मुझे नहीं आता उसे मैं सीख लूँगा। आज का संकट चौथ पंचांग 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार, मांघ मास के कृष्ण पक्ष की तृतीय तिथि, दोपहर 12:09 तक रहेगी। इसके उपरांत चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अश्लेषा नामक नक्षत्र सुबह 9:01 तक रहेगी। इसके उपरांत मघा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 3:04 से 4:23 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:47 तक रहेगा। आज चंद्रमा कर्क राशि पर सुबह 9:01 तक रहेगी। इसके उपरांत कर्क राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य धनु राशि पर रहेंगे। आप सभी को संकष्टी गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं। संकट चौथ का व्रत इस साल 10 जनवरी को पड़ रहा है, यानी आज। संकट चौथ को संकष्टी चतुर्थी, गणेश चौथ, संकष्टी चौथ, लंबोदर चतुर्थी, बाघी चौथ, तिलकुट चौथ, तिल चतुर्थी इत्यादि नाम से जाना जाता है। भगवान गणेश ने इस दिन मांग के चतुर्थी के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की परिक्रमा की थी। संकट चौथ का व्रत भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर उनके सुख सौभाग्य की वृद्धि के हेतु महिलाएं रखती है। माताएं इस दिन व्रत रखती है। रात के समय चंद्रमा को अधर्य देकर ही व्रत पारण किया जाता है। संकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी के साथ संकट माता की भी पूजा की जाती है। आज चंद्रोदय समय रात्रि 8:33 पर होगी। मेष राशि 10 जनवरी 2023 दिन मंगलवार, आप आज आत्मविश्वास से भरे रहेंगे और किसी अधूरे पड़े काम को हाथ में लेंगे। समस्याएं आएंगी लेकिन आपका रास्ता नहीं रोक पाएगी। कोई अच्छा दोस्त आपका साथ देगा। कार्यस्थल पर मिलने वाली एक महत्वपूर्ण संबंध की सहायता से नया मौका मिलेगा। अतीत के फेर से निकलकर आगे की सोचें। अभी आपका हर काम पूरा हो रहा है क्योंकि आपकी प्रतिभा मांग में है। अभी हुआ आर्थिक लाभ घर की मरम्मत या नवीकरण में उपयोग होगा। आप उन कामों का सामना कर सकते हैं जो आपके लिए चुनौतीपूर्ण और नए हैं। उनका साहस से सामना करें और सफलता आपके साथ होगी। आज अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर घर के मरम्मत को हल करेंगे। निजी और व्यावसायिक जीवन के बीच में संतुलन बनाए रखें। अपने लिए भी समय निकालें। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी गलतियां करते हैं, ये कितने धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आप उन लोगों से बहुत आगे हैं जो कोशिश नहीं करते। लंबी यात्रा के लिहाज से आपने सेहत और ऊर्जा स्तर में जो सुधार किए हैं वे काफी फायदेमंद रहेंगे। व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आप थकान के चुंगल में फंसने से बचे रहेंगे। आज धन आपके हाथ में नहीं टिकेगा। आपको धन संचय करने में आज बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बच्चे आपके दिन को बहुत मुश्किल बना सकते हैं। प्यार दुलार के हथियार का इस्तेमाल कर उन्हें समझाएं और अनचाहे तनाव से बचें। याद रखें कि प्यार ही प्यार को पैदा करता है। अगर आप हुक्म चलाने की कोशिश करते हैं तो आपके और आपके साथी के बीच काफी परेशानी खड़ी हो सकती है। अपनी कमियों पर आपको काम करने की जरूरत है। इसके लिए आपको अपने लिए समय निकालना चाहिए। परिवार के सदस्यों के साथ थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन दिन के आखिर में आपका जीवन साथी आपकी परेशानियों को सहायता संभव सहलाएगा। आपकी परेशानियों को सहलाएगा। संभव है कि आज आपके जीव को भरपूर मजा मिली। किसी अच्छे जगह जाना आज हो सकता है और लजीज खाने का लुफ्त उठा सकते हैं। निजी जीवन में सुख शांति बनी रहेगी। आज बाहरी गतिविधियों को स्थगित करके घर पर ही अपनी वित्तीय योजनाओं पर ध्यान केंद्रित रखें। आपके कार्य संपन्न होंगे। मांगलिक आयोजन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना खुशी देगा।
परिवार के लोगों के साथ संबंध सुधरेंगे। अपनी समस्याओं के हल तुरंत मिलने से तनाव दूर हो सकता है। योजना सफलता देगी। अपनी आसपास की ऊर्जा में बदलाव करने की कोशिश करें। मन को प्रसन्नता किन कामों की वजह से मिलती है उन पर ध्यान बनाए रखना होगा। भागीदारी में काम करते समय अपनी जिम्मेदारी को ठीक से समझने की आवश्यकता होगी। रिलेशनशिप की वजह से जीवन में आनंद बना रह सकता है। पेट दर्द की समस्या भी होगी। सावधानियां। किसी संबंधी के साथ वाद विवाद होने की आशंका है, किंतु अपने क्रोध पर काबू रखें। आपका गुस्सा बच्चों के लिए परेशानी का कारण बन सकता है। खर्चा भी बढ़ सकता है। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवार जनों का सहयोग बना रहेगा, लेकिन पारिवारिक मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप ना करें। आज आप यह समझने की कोशिश करेंगे कि आप और किसी के कहे पर नहीं चलेंगे और अपने संबंध में कुछ स्वस्थ सीमाओं का पालन हमेशा करेंगे। आपको यह समझना चाहिए कि आपको अपनी सबसे अच्छे शुभ चिंतक को भी अपने लिए फैसले लेने की छूट नहीं देनी है। अपनी खुद की राय का सम्मान करना चाहिए। आप इसकी तरह पहला कदम उठाइए। लोगों की नजरों में आपका सम्मान खुद ब खुद बढ़ जाएगा। आज आप केवल अपने बारे में सोचेंगे और संचार के लिए समय निकालेंगे। कोई जरूरी निर्णय लेते हुए अपनी जीवन साथी की सलाह अवश्य लें। साथ ही उसे यह बताना ना भूले कि आप उससे कितना प्यार करते हैं। साहस भरी छोटी यात्राओं का भी योग बन रहा है। अपने घर के मामलों के लिए व्यस्त कामों से समय निकालें और अपने प्यार करने वालों के सुझावों का सम्मान करें। आज आपकी खूबियों और व्यक्तित्व की ओर कोई आकर्षित हो सकता है। अपने साथी से दूरियां कम करने के लिए कुछ ऐसे उपाय करें कि वो आपसे दूर होने की बात सोच भी ना सके। बात करते हैं करियर की। जीवन के इस चरण से आप संतुष्ट हैं। यह समय अपने व्यापार उत्पाद या सेवा का प्रचार करने का है, जिसे आप विज्ञापन या इंटरनेट की मदद से कर सकते हैं। आज दूरियों के सुझावों के साथ साथ उनकी इच्छाओं पर भी ध्यान दें। छोटी यात्रा से भी आप अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकते हैं। यह आपके प्रयासों की नई शुरुआत है और अब आपके वो सभी सपने पूरे होंगे जिनका आपने लंबे समय तक इंतजार किया है। अपने सहयोगियों और अधिकारियों से पूरा समर्थन मिलेगा। यह चरण आपको बदलाव की तरफ ले जा रहा है। व्यवसाय की सफलता को विश्वसनीय रूप से सुनिश्चित करने के लिए नई बैठकें और पार्टनरशिप की संभावना है। अनुशासन और कड़ी मेहनत आपके विशिष्ट गुण है। आज अपने कार्य क्षेत्र में आपका मोहभंग हो सकता है, क्योंकि आपको लगेगा कि आपका करियर रुक सा गया है। हालांकि कड़ी मेहनत हमेशा साथ देती है। आप सही रास्ते पर हैं। अब महत्वपूर्ण है कि इस पद के साथ आप रहें। चमकती हुई परियोजनाओं में निवेश न करें या ज्यादा उत्साह में न आएं, क्योंकि आपका निर्णय गलत साबित हो सकता है। व्यवसाय में कुछ नया काम शुरू करने के लिए स्थितियां अभी पक्ष में नहीं है, क्योंकि अभी मेहनत के अनुसार उचित परिणाम हासिल नहीं होंगे। अपने कार्यों की गोपनीयता का ध्यान रखें। साझेदारी से संबंधित व्यवसाय में विश्वसनीयता बनी रहेगी। बात करते हैं सेहत की। ज्यादा तनाव लेने की वजह से दिमागी थकान होगी, इसलिए समय समय पर आराम भी करें। उस समय मनोरंजन में भी व्यतीत करें। आपका मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही बहुत अच्छी स्थिति में है। अगर आप आज किसी खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे तो सफलता और सम्मान दोनों ही मिलने तय है। आज सारा तनाव धुल जाएगा। आपका मन और शरीर दोनों को ही एक नई ऊर्जा का अनुभव होगा। इस अवसर का लाभ उठाकर या तो जिम में 2 घंटे पसीना बहाएं या एक अच्छी सी दौड़ लगाएं, ताकि आपको तरोताजा महसूस हो। आज का उपाय। आज आप हनुमान भगवान जी की पूजा करें, शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।